नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज मिल्किंग मशीन से हम दूध निकालेंगे और दूध निकालते हुए वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि मिल्किंग मशीन से दूध निकालना सेफ है या नहीं है। लोग बोलते हैं दूध मिल्किंग मशीन से जब निकालते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं तो खून भी निकाल देता है, क्या यह सच बात है या नहीं है, या ऐसा हो जाता है मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से थनेला बार बार होता है, यह क्या समस्या सच में है या गलत है। तो ये सारे विषय पर आप लोग से बात होगा। तो शाम का टाइम है और मिल्किंग हो रहा है और वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ज़रूर सब कुछ बताऊँगा। इससे पहले आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल को क्या बोलूँ, आपका चैनल है, क्योंकि जो मेरे बारे में जानते हैं वो जानते होंगे सब कुछ। तो आपका चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक, वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मशीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है, किस लिए है, जरूरी है या नहीं रखना, बिना मिल्किंग मशीन का सब कुछ चल सकता है कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा दिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, कैसे मशीन चलेगा, कहां से आया, कितने में आया, ये पूरा चीज़ बताऊंगा, कौन सा कंपनी है, तो सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। चलिए वीडियो को बैक कैमरा करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मशीन चालू हो चुका है और यहाँ से स्विच से चालू होता है और चालू करने के बाद ये देख सकते हैं कैसे गाय को लगाया जाता है। अब आपको दिखा रहा हूँ, मिल्किंग मशीन को पहले लगा कर दिखाते हैं, फिर आपको मिल्किंग मशीन के बारे में बताएंगे पूरा कि मिल्किंग मशीन से क्या सही में दूध निकालना सेफ है या नहीं है। लोग बोलते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने पर थनों में से खून निकाल लेता है, ज़्यादा देरी तक अगर लगे रह जाए तो, या बार बार थनेला होता है, ये सब लोगों का मतलब कॉमेंट रहता है, हर एक बार देखा हूँ। तो आज सभी चीज़ एकदम हकीकत बताऊँगा जो भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में आगे देख सकते हैं, ऐसे जैसे अपने हाथ से पहनवाते हैं, पंजाब वाली बछड़ी है तो इसको हाथ से ऐसे पहनवाते हैं, जो उसके बाद मशीन लगाएंगे। मशीन लगाने के बाद आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये मशीन जो है हमारी दोस्तों डबल बैकेट कैपेसिटी वाली है, लेकिन इसमें एक ही बैकेट हम लोग लिए हैं। मशीन हम लोग 45,000 में लिए थे, डबल बैकेट लेते तो 65,000 में पड़ता, और ये पटना के मनीष इंटरप्राइज से आया हुआ है मशीन, जिसमें कि 10 लीटर दूध आपका मतलब 2 मिनट से 3 मिनट में मशीन निकाल लेता है, बहुत फास्ट काम करता है। आप देख सकते हैं यार इसका कैसे फास्ट चलता है। अब पाइप लगेगा उसके बाद आपको दिखाई देगा। तो ऐसे लगाया जाता है, देखिए ऐसे मशीन लग रहा है एकदम। इसमें मोड़ बनता है पाइप में, देखिए कैसे मोड़ बना के लगाया जाता है ताकि एयर ना निकले। अब आपको दिखा देते हैं दूध, देखिए आना शुरू हो गया, ये देखिए दूध कितना फास्ट आ रहा है एकदम। तो दोस्तों अब इस पर बात करते हैं मशीन के ऊपर, जैसे मशीन में दूध आ रहा है, अब अपने को मालूम कैसे पड़ेगा कि दूध पूरा हो गया। तो सबसे पहला नंबर पाइप में दूध आना बंद हो जाता है, फिर अपने को मालूम पड़ता है। इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, मशीन मैनुअल है, अपने को देख कर यहाँ पर खड़ा रहना है, दूध अगर आना बंद हो गया तो अपने को मशीन निकाल लेना है। मशीन ऐसा नहीं है कि मशीन अगर दूध आना बंद हो गया नहीं निकाला तो थन में से खून या कुछ ऐसा होता है दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं आता है। जैसे थन में दूध नहीं रहेगा तो अपने हाथ से ऐसे दुहाई करते हैं या ऐसे करते हैं, तो ऐसे जब दुहाई करते हैं तो दूध नहीं है तो भी दबाओगे तो कुछ नहीं आएगा, वही सेम हाल है मशीन में, ऐसे ऐसे दबाता है तो दबाने से उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि समय मतलब रहते हैं, दूध खत्म हो गया तो अपने निकाल लेते हैं, अपने इस पर एक आदमी ध्यान में रहता है। और जो भी चीज़ है, मशीन पटना के मनीष इंटरप्राइज से आया हुआ है, आप लोग को सभी को मालूम है। दूध निकालने के बाद अपना पोटेशियम का पाउडर हम लोग रेगुलर रखते हैं थन में लगाने के लिए, बाकी लिक्विड इसके साथ आया हुआ है 20W कोई 30 करके ऑयल है या कोई, उसको लगाया जाता है ऐसे थन में, तो उसे सेफ रहता है। मशीन से अभी तक हमारा 2018 से लेकर अभी तक, मशीन तो 2020 से चल रही है हमारे फार्म पर, मशीन 2020 के जनवरी में आई हुई है, 2020 के जनवरी से चल रहा है। कहाँ रहा है, 2020 के जनवरी से मशीन चालू हुआ है हमारे फार्म पर, तब से मशीन से दूध निकल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम मशीन से नहीं आया है। मशीन के चलते थन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, थनेला होना ये अलग बात है, थनेला जैसे कि बहुत सारा कारण होता है। और अभी शाम के समय का मिल्किंग हो रहा है हमारे फार्म पर, तो मशीन देख सकते हैं कितना फास्ट चल रहा है। वीडियो 3 मिनट हुआ और दूध अब आना कम हो गया, तो मतलब इसका दूध बछड़ी का लगभग अब निकल चुका है, थोड़ा बहुत बच जाता है लास्ट में दूध दोस्तों, थन में थोड़ा बच जाता है, जो
अपने को निकालना पड़ता है हाथ से, और या बछड़ी जिस गाय की है उसको बछड़ी पी जाती है। मशीन में हमारे लोग बोलते हैं कि मशीन में थोड़ा भी दूध नहीं रहता है, ऐसा बताते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं लोग। लेकिन मेरे फार्म पर दोस्तों अभी तक का दोनों मशीन, पुरानी वाली से भी वही हाल था, नई वाली में भी वही हाल है, जैसे दूध निकालना बंद हो जाता है। उसके बाद अपने कितना भी थन को दबा के सही से एथी कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं थोड़ा सा थन के नीचे कर दो तो निकल जाएगा पूरा दूध, ऐसा कुछ नहीं है। और दूध आधे लीटर जैसा थन में रह ही जाता है मेरे यहाँ। अब उसका कारण हमें नहीं पता है, हम यही जानते हैं कि रह गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस गाय का बछड़ी है वो बछड़ी पी लेगी, हमारे लिए सेफ है वो चीज़, तो ऐसे चलता है। बाकी दूध रहना थन में वो कोई गलत बात नहीं है, सही ही है हमारे लिए। और हम लोग उतना, जिसका बच्चा नहीं है उसका हाथ से निकाल लेते हैं। अब रही बात मशीन से ऑपरेट करना, एकदम आसानी है, आपको दिखा ही, एकदम कोई इसमें है नहीं साफ़ करने में भी, और ये कोई दिक्कत नहीं होता है। मशीन से हम लोग का दूध निकलते आ रहा है लगभग 2020 से तीन साल, लगभग चार साल जान के चलिए कि होने आया, चार साल पूरा होने आया। चार साल के अंदर हमारा, तीन चार साल के अंदर मतलब मशीन से कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इसका मतलब है कि मशीन सेफ है हमारे लिए। और सबसे बड़ा चीज़ फ़ायदा क्या होता है कि एक मशीन से हम एक घंटे में लगभग 12-13 गायों का दूध, 15 गाय का निकाल लेते हैं, और वही चीज़ हाथ से भी निकालते हैं तो मतलब उतना ही निकलता है। लेकिन आदमी को पूरा हरासमेंट हो जाता है, पूरा थकान लग जाता है, और थकान लगने के चलते काम करने का मन फिर नहीं बनता है। लेकिन मशीन से वैसा कुछ नहीं, एकदम आसानी से निकल जाता है, और एकदम हमको अच्छा भी लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ मशीन में है। और मशीन से अगर कोई डरा रहा है कि मशीन से दूध निकालना सेफ नहीं है, तो ये मेरे तरफ से चैलेंज है कि सेफ है। हाँ, तरीका मालूम होना चाहिए, थन में लगाए लगाए छोड़ नहीं देना है एक घंटा तक, और दूध निकल गया तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। और ये देख सकते हैं, इसी से हम दूध निकालने के बाद थन में इसी से मतलब लगाते हैं, ये इसी से ऐसा लगाया जाता है। बोल अभी पोटैश का पाउडर जो है वो ग्लास में घोल के लगा रहा है भाई, पहले इससे ऑयल था तब तक ऑयल उससे लगाते थे। तो दोस्तों फार्म पर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम के चलते पर्दा वर्दा सब कुछ सेफ कर दिया गया है फार्म पर, और कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते दूध थोड़ा बहुत तो मतलब ठंडी से पीछे थोड़ा सा 1-2 लीटर हुआ है, मतलब दूध टोटल दूध हमारा जितना सुबह में 165 लीटर 163 लीटर होता था, वहाँ तक 155-156 पर आ गया है। ठंडी थोड़ा सा ज़्यादा अचानक यहाँ पर हुआ है, क्योंकि हमारा एरिया जो है बगीचा है और बाहर है, नदी के किनार पर है, तो इसके चलते थोड़ा सा ठंड से तो दिक्कत हुआ है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, सेफली है। और इधर हाथ से भी दूध निकलता है, हम लोग हाथ से भी निकालते हैं, जो हल्की गाय है उसका हाथ से दूध निकालते हैं, और जो भारी गाय है उसका मशीन से दूध निकालते हैं। खैर, भारी या हल्की की बात नहीं है, अंदर जो गाय है, अंदर वाले शेड में जो भी गाय है उसका दूध मशीन से निकलता है, बाहर वाली का हाथ से निकालता है। दोनों मशीन नहीं चलाते हैं इसलिए कि मशीन से, इधर पुरानी वाली मशीन से जब निकालते हैं तो उसमें देर होता है, हम लोग उससे अच्छा हम लोग का हाथ काम करता है, तो हम लोग हाथ से अंदाज़ा हमको सही लगता है। अगर मशीन रखना एक इसलिए ज़रूरी है कि आदमी के जगह, अगर आदमी रखना है आपको दुहाई करने नहीं अच्छा से आ रहा है तो उसके जगह मशीन ज़रूरी है। दुहाई करने अगर आपको आ रहा है तो फिर मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है, दुहाई करने आना चाहिए, वही बात है। बाकी सब कुछ मशीन से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।